जयपुर के अंदर भी सब्जी मंडी जैसा हाल हो गया कैफेज का। तो टाउन कैफे, टाउन के ऊपर बॉम्बे हाउस, ये है क्या है वाइट किचन, नमो तंदूरी। भाई गौर यार आदमी की चूज नहीं कर पा रहा है, और अभी तो यहाँ ख़त्म नहीं, इधर और भी चीज़ें हैं जो हम और देख सकते हैं। भाई पहली बार ऐसा लग रहा है ना कि हम कहाँ आ गए, मैं वो अक्सर उसी में देखता रहता था। कोई आए तपा के लेके ना चला जाए मेरे। वी चूज बॉम्बे हाउस, हम अब आज बॉम्बे हाउस ट्राई करेंगे। लगता है यार यहाँ तो मुझे लगता है आने के बाद ना 4-5 दिन आप कंटिन्यूटी में आ सकते हो। आज ये ट्राई करें, आज वो ट्राई करें, दैट्स ऑल। भाई तो सुपर लग रहा है। ओके बॉम्बे वाले कल्चर पे भाई है। जेनी का हैप्पी बर्थडे मनाने वाले भाई सही जगह। भाई इतने सारे ऑप्शन दे देते हैं ना ये लोग। भाई गन्ने का जूस देखा 85 रुपीज का। भाई क्या चाहते हो तुम लोग हमसे, बाराना छोड़ दें, हद हो गई है, यानी अति कर रखी है। बंटा सोडा बाहर 20 रुपये का मिलता होगा, चलो मैक्सिमम मैक्स 20 रुपये का, यहाँ साला हम 120 रुपये देंगे, पर देंगे भाई देंगे जरूर तो अभी हमने क्या ट्राई किया है, हमने मंगाया है चीज़ बड़ा पाव, वो भी दो। ये हमारा वंटा आ गया। वंटा क्या सीन है इसका, काला खट्टा भाई, तो बड़ा जुगाड़ू सा लग रहा है। बहुत खतरनाक वाली चीज़ मिस कर दी यार, वंटे की जो हद टंग छुपा गई। ये तो सच में भयानक वाली उसमें लिया है भाई, पूरा चीज़ ही चीज़ है भाई, की साइज़ भाई। क्या हम खा पाएंगे, खा लेंगे यार। भाई इस पूरे को इसके अंदर डाले कैसे, कम से कम यार इसका, या तो इनके है साइज चौड़ी कर दो भैया, इनको फैलाना शुरू करो जैसे मेरे जैसे पैर ना, यानी वाह मेरे भाई। भाई 520 ले रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, अगली बार से कटोरी की साइज जरूर बढ़ा देना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ के कोटे में ना भाई बड़ा पाव भी ठीक था, ठीक भी नहीं है, नॉर्मल था, है ना जी, नॉर्मल ही था ना, ज़्यादा तो अच्छा नहीं था, ठीक ठाक है, ज़्यादा बुरा नहीं, बस कटोरी की साइज बढ़ा दे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, एटलीस्ट हम अगली बार से बड़ा पाव को चटनी के साथ खा पाएंगे, वरना फिर से हमें वही चटनी को नीचे उड़ेलना पड़ेगा और उसके बाद खाना पड़ेगा। कैमरा छोटे छोटे कैमरा, तो हम यहाँ आ गए हैं, हमें यहाँ जाना है। भाई इसकी ना एक बार पहले ना टेलीस्कोप जो आती थी ना स्कूल में, ना टेलीस्कोप लेके आए थे कुछ लोग, तो उसका ना क्या कर रहे थे, बोला इससे ना बहुत दूर तक दिखता है, तो उन्होंने भाई साहब ने क्या कहा, इसकी खिड़की दिखाई वहां से हम लोगों को, वो तो शुक्र कोई आदमी नहीं था उसमें जोलो क्रस्ट।
यहाँ हम ट्राई करने वाले हैं पिज्जा भाई। पिज्जा गजब कांड हो गया है यहाँ पर, सब खांसना शुरू हो रखे हैं। भगवान जाने कोरोना की खांसी है कि कुछ हो रहा है। भाई ने छूक लगाया तगड़ा वाला तगड़ा तड़के वाला भयानक भाई पिज्जा किया था कि हरा भरा कबाब किया था तूने? भाई इसका नाम क्या है? पिज्जा जो था बड़ा सही था, उसका नाम था हमारा मैक्सिकन मैक्सी पिज्जा, जो कि जोलो क्रस्ट का था, काफी थिन क्रस्ट के वाला मजा आ गया। और यहाँ तो हमारे भाई पर, लेकिन हम घर पहुंचे हैं उस टाइम तो वहाँ वीडियो नहीं बनाए। यहाँ देखो भाई साहब हमारे तो घर पहुंचते घर वाले तो पूरे फुल ऑन स्वैग में चल रहे हैं, तगड़ा तगड़ा चीज बना रहे हैं। भाई क्या बना रहे हो भाई, ये तो तगड़ा, मुझे लगता है आज तो शेफ शेफ क्या बन रहे हैं? ओ माय गॉड, पहले हमारा वीडियो शूट होगा बाद में खुद का। वाह ये तो सारे के सारे, ओ माय गॉड पिज्जा, पिज्जा नहीं बर्गर है। हाँ सॉरी बर्गर, वो तो पिज्जा तो मैं खा के आया हूँ ना। पर चलिए बॉम्बे हाउस को हम लोग जो देखे हैं, बॉम्बे हाउस को मार्किंग हम लोग दे सकते हैं 10 के अंदर से 7 मार्किंग हम लोग देंगे उसके बड़े पाव को। वैसे बाकी और उसका बंटा भी कुछ ऐसा कोई खास था नहीं तो उसका। हाँ लेकिन जो क्लार्क आमेर का जोलो क्रस्ट उसे हम 10 out of 9.5 नंबर्स देंगे, जो कि काफ़ी सुपर था उसका पिज्ज़ा। आप लोग भी आके ट्राई कर सकते हो। बस वहाँ एक ही इशू है जो कि अभी हमें सॉल्व करना है, क्योंकि वहाँ उन लोगों ने जो चार्ज किया था वो GST 18%, तो अभी तक श्योर नहीं हूँ कि रेस्टोरेंट पे, क्योंकि रेस्टोरेंट्स का बेसिकली चार्जेस जो हैं 5% है, 2.5% हाफ ऑफ CGST और SGST, तो वो है। तो लेट्स सी इसको क्लेरिफाई करेंगे। अगर आप नए हैं मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ नीचे आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसे हिट दबाएं और घंटा दबा दें।